हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो दो तीन दिन से मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है यार, क्योंकि टोस्ट खाने का मन करता है सुबह सुबह। जब तक चाय नहीं पीती हूँ हाथ पैर नहीं चलते हैं, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया चाय पीना। कभी भी बंद कर देती हूँ, कभी भी चालू कर देती हूँ। तो बस चाय रेडी है और साथ में मैं टोस्ट रख रही हूँ। तो लीजिए गाइस, आप सब भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच में मैंने आज आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मटर तो रखी रहती है। तो मैंने सोचा चलो आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। फ्रोज़न मटर वाली बना रही हूँ, क्योंकि ग्रीन वाली मटर अभी मैं लेके नहीं आई हूँ। और साथ में लगा रही हूँ आटा, और दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अभी जस्ट मैं इनके साथ में गई थी थोड़ा सा काम से बाहर, तो दूध भी लेती हुई आई थी। और थोड़ा सा मैंने विंडो को ओपन कर दिया, जिससे अच्छे से अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है आजकल, क्योंकि अब थोड़ा सा ठंड वाला मौसम जो स्टार्ट हो गया है ना, इसलिए। और जब मैं ये सब बंद कर देती हूँ ना, तो गर्मी होती है किचन में बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने विंडो जो है वो ओपन कर दी है। और अब मैं आटा लगा रही हूँ, उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी, फिर हम लोग करेंगे लंच। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब? और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 6:15 बज रहे हैं। मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन बात मैं आपसे इवनिंग में कर रही हूँ, और समझ सकते हो बहुत सारे काम कर रही थी। तो अभी ये जो है, इन्होंने पौधों में पानी दिया है और बेड क्लीन कर रहे थे, करते करते वहाँ भाग गए हैं पता नहीं क्यों। और आज मंडे है, तो मैं इनको बोल रही हूँ, ये देखिए मैं किचन के लिए पाइप लेके आई हूँ, ये वाला। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि लगा दो इसको। तो इसको मुझे लगवाना है, और एमसील है ना, ये एमसील लेके आई हूँ, क्योंकि उसमें से ना पानी निकल रहा है। वो पाइप की वजह से नहीं निकल रहा है, बट जो बेसिन लगा हुआ है ना, सिंक लगा हुआ है, उसमें से निकल रहा है। तो ये एमसील है, तो इसको लगवाना है। और किचन में मैं सोच रही हूँ कि आज अपना फ्रिज क्लीन कर दूं, और कल ये मुझे लेके जाएंगे। सरोजनी चलोगे कल? कल मुझे टाइम नहीं है, कल मैं सरोजनी जाऊंगी, आप सब भी चलना मेरे साथ। तो मैं जा रही हूँ किचन में, किचन का जो फ्रिज है ना, उसे आज मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ। और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि कैसे करते हैं डीप क्लीन, तो उसकी लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिटेल में दिखाऊंगी या नहीं दिखाऊंगी, देखते हैं अभी। और मैं अभी बेड क्लीन कर रही हूँ, ये आधा अधूरा करके छोड़ के चले गए, ये देखिए। और ये बेडशीट को ना मैंने उल्टा करके डाल दिया है बेड पे, क्योंकि एक साइड से थोड़ी सी गंदी सी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसे मैं कल धो लूंगी, तो मैंने उल्टा करके डाल दिया है। जब भी मेरी बेडशीट थोड़ी सी गंदी हो जाती है ना, तो मैं उसे उल्टा करके बिछा देती हूँ, मतलब दो दिन सीधा बिछाती हूँ, दो दिन उल्टा बिछाती हूँ, उसके बाद उसे धो देती हूँ। यहाँ की लाइट ऑन कर दो, ये सूखे कितना अच्छा लगता है ना, बहुत सारी लाइट लग जाती है, तो अब अच्छा लग रहा है, एकदम से अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था ना अभी। ये देखिए गाइस, मैं इनको कुछ बोल रही हूँ लेकिन सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो बैठ गए। ये लगा दो, हेलो तो बोला नहीं हमने, हाय गाइस नहीं बोला, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस। तो आखिरकार इन्होंने मेरा काम कर ही दिया। यहाँ जो पाइप थोड़ा सा गंदा हो गया था, वो मैंने चेंज करवा दिया है, नया वाला लगवा दिया है। और ये जो फ्लोर है ना, बहुत गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा, मैंने एसिड डाल के इसे थोड़ा सा क्लीन किया है, बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि वो मतलब हारपिक से भी नहीं हो रहा था, किसी से भी साफ नहीं हो रहा था। मैंने उसे करके देख लिया था, इतना नहीं चमक रहा था, और अब आप देख सकते कितना अच्छे से चमक गया है।
तो अभी मैं पानी से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ इस वाली जगह को, और उसके बाद मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो ये वाला काम भी मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि, क्योंकि जब भी मैं बर्तन साफ़ करती थी ना तो पानी फैलता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये पाइप चेंज करवाना ही करवाना था। गंदा तो था ही, साथ में वो लूज भी बहुत ज़्यादा था, तो पानी फैलता था उसकी वजह से, नीचे पूरा गीला गीला सा हो जाता था। तो आज मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग, जैसे कि मैंने आपको कहा था दिवाली के आसपास ही करूँगी, और दिवाली बिल्कुल आने ही वाली है, तो बस डीप क्लीन कर रही हूँ। और डीप क्लीन कैसे करते हैं फ्रिज को, इसका लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो बस यहाँ पे सबसे पहले पूरे फ्रिज को खाली कर लूंगी, जो भी सारा सामान है उसे सबसे पहले बाहर निकालूंगी, उसके बाद जो फ्रिज के टूल्स हैं उन्हें मैं धीरे से निकालूंगी, हल्के हाथों से हमें निकालना होता है, ऐसा नहीं है कि जोर जोर से झटके मार के आप निकालें तो आपके टूल्स टूट भी सकते हैं। तो मैं बहुत ध्यान से केयरफुल होके इसे मतलब इनके टूल्स मैं निकालती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही हल्के हाथों से मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और ऐसा मत कीजिएगा गाइस, पहले आप मेरी बातें अच्छे ध्यान से सुनिए, अगर आप मेरा डीप क्लीन वाला वीडियो देखते हैं तो उसके बाद ही अपना फ्रिज क्लीन करना। एक बार क्या हुआ था, मेरी एक सब्सक्राइबर थी तो उन्होंने डीक्रॉस नहीं किया था, जैसे ही मेरा वीडियो देखा वैसे ही वो फ्रिज क्लीन करने के लिए चल दी, और उन्होंने क्या किया जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा आइस जम चुकी थी फ्रीज़र में, उन्होंने फ्रीज़र का जो गेट होता है उसे एकदम से ओपन कर दिया, जिसकी वजह से आइस में उनका गेट फंस गया था, तो वो उसकी वजह से टूट गया गेट। और उसके बाद फिर वो मुझसे बोल रही थी कि आपकी वजह से मेरा जो है फ्रीज़र का गेट टूट गया। तो प्लीज़ गाइस आप ऐसा मत कीजिएगा, आपको पता है जब भी हम फ्रिज क्लीन करते हैं उससे 4 घंटे पहले ही या फिर एक दिन पहले ही आप डीक्रॉस कर दीजिए, वहाँ पे एक बटन दिया होता है फ्रीज़र के पास में तो उसे आपको डीक्रॉस करना होता है, जिससे क्या होता है जितनी भी आइस होती है ना फ्रीज़र में वो सारी मेल्ट हो जाती है और जो फ्रीज़र का गेट है वो इजीली खुल जाता है। तो ये वाली गलती आप नहीं करना, मैं आपको बोल देती हूँ फिर से, और मैंने उस वाले वीडियो में भी बोला है, तो प्लीज़ पहले ध्यान से सुनिए देखिए उसके बाद ही फ्रिज को क्लीन कीजिए। और उस वाले वीडियो में मैंने बेकिंग सोडा से किया था फ्रिज को क्लीन, और अभी मैं विम जेल ले रही हूँ क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ख़त्म हो गया था, तो आप दोनों में से किसी से भी इसे क्लीन कर सकते हो। विम जेल भी अच्छा है क्योंकि ये लेमन का होता है तो अच्छी खुशबू आती है इसे साफ़ करने से, और जितने भी पीले धब्बे वगैरह होते हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं अच्छे। जैसे कि आपने देखा सामने पिंक पिंक बहुत ज़्यादा लग गया था, पता नहीं कलर फैल गया था शायद, मुझे याद नहीं है, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है इसने, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और मैंने पूरी अच्छी तरह से विम जेल को लगा दिया था, उसके बाद एक कपड़े से साफ़ किया थोड़ी देर के बाद, और अब मैं एक साफ़ कपड़े से इसे साफ़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं आइस वाला बॉक्स भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है मेरा, और पूरा फ्रीज भी मैं ड्राई करूँगी, उसके बाद ही इसके अंदर जो टूल्स मैंने निकाले थे वो रखूँगी। तो फ्रिज को तो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे जितने भी फ्रिज के टूल्स थे ना उन्हें मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ विम जेल से ही, और बस इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी आगे वाले रूम में। जब तक फ्रिज भी ड्राई होगा तब तक ये भी ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद इसे अच्छे साफ़ कपड़े से पोंछ कर ड्राई करके फिर मैं इन्हें फ्रिज में लगा दूँगी। सो गाइस ये देखिए मैंने फ्रिज पूरी अच्छी तरह से साफ कर दिया है, चमक गया है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। बस मुझे सामान लगाना है, मैंने थोड़ा सा खुला इसलिए छोड़ा है जिससे ये थोड़ा सा सूख जाए, अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर मैं सामान लगाऊंगी। और बैक साइड से एंड फ्रंट से मैंने कॉलिन से इसे साफ किया है। और फ्रिज को कैसे साफ करते हैं ये मैंने आपको आपके लिए वीडियो बनाया है, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
एंड ये मैंने सारे टूल्स साफ कर दिए हैं फ्रिज के, और इन्हें सूखने के लिए रखा है। अभी मैं कपड़े से इन्हें पोंछूंगी, उसके बाद फिर फ्रिज में लगाऊंगी। ये देखिए ये क्या हो रहा है भाई, आज फिर स्टार्ट हो गए आप तो। इनके पास जब एक भी कपड़ा नहीं बचता है ना पहनने के लिए, तब ये प्रेस पे आते हैं। क्यों? ये न्यू रखी है, इसको दिवाली पे पहन लेना। और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी यार, पता है किचन में बहुत ज्यादा गर्मी है, फैन लगा है फिर भी गर्मी लग रही है यार। और बचत यार, इसलिए बचत क्योंकि मैं भी तो कुछ नहीं ले रही हूँ ना, मैं भी नहीं ले रही हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े रखे हैं। नहीं तो इनके पास जब एक भी कपड़ा नहीं बचता है ना पहनने के लिए, तब ये प्रेस पे आते हैं। ये देखिए, और अभी मुझे 1.5 घंटा लग गया है किचन में, अभी आधा घंटा और लगेगा। किचन जो फैल गई थी वो मैंने फ्लोर अच्छे साफ कर दिया है, और जो मैंने पाइप लगा दिया है, पाइप वाला जो फ्लोर था ना नीचे का, बहुत ज्यादा गंदा था, एकदम वाइट निकल आया है। फैन चल रहा है, थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी आपको। अपना काम स्वयं करें, क्या बात है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आप ही नहीं करते हो। मैंने बोला है तब कर रहे हो, कल से तो बोल रही हूँ कि प्रेस कर लो। अच्छा तो ये देखिए, मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये आपने बहुत बार देखी है, ये इसके साथ का प्लाजो है और ये कुर्ती है। कल भी मैंने ब्लैक पहना था, आज भी मैंने ब्लैक पहना है, क्या बात है, ब्लैक मेरा फेवरेट होता जा रहा है क्या है। ब्लैक फेवरेट होता जा रहा है मेरा। और ये देखिए इस टेबल को ना मैं मतलब डेली मतलब क्लीन कर देती हूँ, और यहाँ पे पता नहीं कैसे सामान आ जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, परेशान हूँ, कुछ सामान तो मेरा ही मिलेगा। ये देखो आधे से ज्यादा सामान तो मेरा ही है। चलिए फिर मैं जा रही हूँ किचन में, फिर से फ्रिज थोड़ा सा ड्राई हो जाए। इतनी देर के लिए मैं यहाँ पे हवा लेने के लिए आ गई हूँ, बहुत गर्मी लग रही थी। आरती कर दी आपने, शाम की दियावती ये कर रही। सो गाइस ये देखिए, मैं आपको पूरा फ्रिज दिखा रही हूँ, अच्छे से मैंने साफ कर दिया है, और आगे से मैंने कॉलिन से साफ किया था, और ये देखिए एकदम चमक गया है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम किसी भी चीज़ की डीप क्लीन कर देते हैं, कोई भी चीज़ हो वो, या किचन की हो या रूम की हो, कुछ भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी लगता है काम करने में। तो फ्रिज़ पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग रहे थे क्योंकि काफ़ी दिन से साफ नहीं किया था मैंने फ्रिज़ को। वैसे मैं करती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन शिफ्टिंग के चक्कर में नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए कितने से चमक रहा है फ्रिज मेरा। तो मैंने भी अपना एक काम निपटा लिया, और ये भी अपने काम में लगे हुए हैं, मतलब कितने सारे कपड़े आप देख सकते हैं प्रेस कर दिए इन्होंने जब तक मैंने फ्रिज क्लीन किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार मैं फ्री हो गई हूँ, चाय बनाती हूँ गर्मा गर्म, तो मैं चाय बना लाई हूँ दोनों के लिए। और इसके बाद हमें सब्जी लेने भी जाना है, आज मंडे मार्केट लगा हुआ है हमारे घर के पास में, पास में तो नहीं है यार, दूर ही पड़ रहा है मंडे मार्केट। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम थर्सडे मार्केट में जाएंगे सब्जी लेने के लिए, लेकिन आज तो सब्जी लेने जाना ही है क्योंकि बिल्कुल भी सब्जी नहीं है यार घर में, कुछ ना कुछ तो लेके आऊँगी। और फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग थर्सडे मार्केट में ही जाएंगे सब्जी लेने, क्योंकि यार इसमें तो बहुत भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा दूर भी पड़ता है। तो बस यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, और ये पता है यहाँ पे कॉमेडी वाला एक शो देख रहे थे अपने फ़ोन में ही, और इतना हंसे जा रहे थे अकेले बैठे बैठे, पता नहीं कितनी हंसी आ रही थी इनको, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, बट मुझे हंसी नहीं आती, मुझे मतलब ये जोक मारते हैं तो हंसी आती है, ऐसे देखने से नहीं आती। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं गई थी सब्जी लेने के लिए, वहाँ से सब्जी लेके आई हूँ, टमाटर शिमला मिर्च अदरक नींबू रखा हुआ है, और खीरे लेके आई हूँ, गोभी लेके आई हूँ, आलू प्याज टमाटर वगैरह सब कुछ लेके आई थी, लेकिन वो मैंने जगह पर लगा दिए हैं। इतनी सारी सब्जियाँ मैंने धोकर रखी थी इसलिए आपको दिखा दी। और बस मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि सुबह की आलू मटर की सब्जी रखी हुई है, और मैंने रायता बना दिया बूंदी का, और ये मैंने पराठे सेक दिए हैं घी के, शुद्ध घी के, तो बहुत अच्छे लगते हैं, हम दोनों को ही पसंद हैं। तो बस ये आज का हमारा डिनर है, और बस फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो डिनर वगैरह हो गया, मैंने सुबह बनाई थी लंच में आलू मटर की सब्जी, तो वही रखी थी, बस मैंने रायता बनाया था, और हम लोगों ने डिनर कर लिया है, और बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं, और बहुत सारी सब्जी थी ना उसे बिल्कुल एक सा करके मैंने रखा है, क्योंकि कल के लिए मैं कोई भी काम छोड़ नहीं सकती। और अभी टाइम पता है क्या हो रहा है, 12:15 बज रहे हैं अभी, यस 12:15 हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं थोड़ी ही देर में।
आप लोग, ये मेरे पास एक कमेंट आया था कि नए घर में आके आप बात ही बात करती हो, काम नहीं करती हो। तो यार काम तो मैं ही करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है मेरे लिए, मैं अकेली ही काम करती हूँ। और आप देख रहे हो मुझे, मतलब भाड़ा बच जाते हैं सारे काम से फ्री होने में। अब मैं आपको सारा दिखाने के लिए बैठूंगी तो ब्लॉग जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, आप समझ सकते हो। ये देखिए अभी आप टाइम देखा ना, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो रात के 12:15 बज रहे हैं और अभी मैं फ्री हुई हूँ, और अभी भी मुझे सोना नहीं है यार। बालों में थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी और क्या कहते हैं, जो भी कुछ मेरे काम थोड़े बहुत और पेंडिंग है उनको पूरा करूँगी मॉर्निंग के लिए। मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं छोड़ती हूँ, मतलब जो कपड़े अपड़े इधर उधर फैले रहते हैं ना, सब मैं एक साथ लगा के सोती हूँ, जिससे सुबह मेरे लिए ही आसानी हो जाती है सारे काम करने में। और अभी तो मुझे एक वीडियो एडिट भी करना है अपना, तो वो भी मैं करके ही सोऊंगी, जितना हो जाएगा उतना सोऊंगी, और नींद आ जाएगी तो फिर मैं सो जाऊंगी। और अच्छा, आप लोग, कुछ लोग मुझसे बहुत बार पूछ रहे थे, कई कमेंट आए थे कि जो मैंने लहंगा पहना था करवा चौथ पे वो कितने का आया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो था 1500 का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छा है और बहुत सुंदर लगा मुझे वो पहनने में, मतलब अच्छा है। तो 1500 रुपये में मुझे कोई ज़्यादा महंगा नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसे ले लिया था। और अगर आपने मेरे हस्बैंड के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़, और वो वीडियो डालते रहते हैं, टारगेट एजुकेशन हब के नाम से है। मैं लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो थैंक यू, बट जिन्होंने नहीं किया है, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ और हर ब्लॉग में बोल देती हूँ, जिससे उन्हें भी पता चले। और अगर वो भी स्टूडेंट है मेरे हस्बैंड की तरह, तो उन्हें भी प्रॉफिट हो सकता है उस चैनल से, इसलिए मैं हर बार आपको बता देती हूँ। और तो चलिए, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के मैं नाम ले लेती हूँ आज। सबसे पहले तो मोनिका शर्मा जी का आज बर्थडे है, 21 तारीख को, 22 तारीख लगने वाला है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मोनिका शर्मा जी। और सिंधु देवी जी, थैंक यू सो मच। पूजा तिवारी जी, सरिता रघुवंशी जी, प्रिंस कुशवाहा ग्वालियर से हैं और वो अभी 6th या 7th क्लास में हैं, और बहुत अच्छा बच्चा है वो, हमेशा मुझे कमेंट करता है। और नेक्स्ट हैं हर्षा कुकरेजा जी, थैंक यू सो मच। सोनाली घोष जी, साधना चौहान जी, और बस मुझे इतने ही मैंने नाम अभी लिख पाए थे। यार मैं ना नाम, मतलब मेरी डायरी क्या है, कभी यहाँ होती है, कभी बीच वाले रूम में होती है, कभी कहीं होती है, तो मैं नाम लिखना भूल जाती हूँ, और जब मुझे याद आता है ना तो मैं तुरंत लिख लेती हूँ, तो मैंने इतनों के नाम लिख लिए थे। गाइस, मेरे पास एक और कमेंट आता है बार बार कि ये जो घर है इसका रेंट क्या है। तो इसका रेंट मैंने आपको बताया था जब मैं लाइव आई थी, 7 या 8 थाउजेंड के अंदर है ये इसका रेंट, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आज भी बता दिया है, तो शायद आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। कल मैं जा रही हूँ सरोजनी मार्केट, तो आप सब भी चलिएगा मेरे साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, लव यू टू ऑल। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और मेरे हस्बैंड जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बाय।